नमस्कार, लाइफ मिशन प्रस्तुत करता है दादाजी के साथ बापूजी की ब्रिज यात्रा। शिवावतार भगवान लकुलिश जी यानी दादाजी ने स्वामी कृपालवानंद यानी बापूजी को बंबई में अपने साथ सवा वर्ष रखकर योग दीक्षा दी। फिर दादाजी बापूजी को ब्रिज यात्रा कराने अपने साथ मथुरा ले गए। दादाजी व बापूजी दिन ढलते ही विश्राम घाट पहुंचे। विश्राम घाट पहुंचते ही सूर्यास्त का समय हो गया था। यह घाट यमुना किनारे है। सूर्यास्त के समय यहां से यमुना जी का दर्शन अत्यंत सुहावना लगता था। मथुरा में यमुना किनारे बहुत से घाट हैं, किंतु उनमें विश्राम घाट कुछ विशेष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था। इस प्रसंग की एक लोकोक्ति है कि कंस वध की थकान और अशुद्धि दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के स्थान पर स्नान किया था और विश्राम भी किया था। इस कारण इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। दादाजी व बापूजी ने भी लंबे सफर पश्चात के परिश्रम और अशुद्धि दूर करने के लिए विश्राम घाट पर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया और रात को विश्राम घाट पर ही रहने का निश्चय किया। बापूजी दिन में एक समय भोजन लेते थे और दादाजी को भूख प्यास का प्रश्न ही न था। बापूजी के पास सफर में खरीदे और शेष बचे दो केले थे, वे उन्होंने खा लिए। जहां पर लोगों का चहल पहल न हो ऐसा स्थान चुनकर दादाजी समाधि में बैठ गए। बापूजी ने भी एक दीवार के साथ जहां ठंड न लगे ऐसी जगह सोने के लिए पसंद की और नाम स्मरण करते करते निद्राधीन हो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर दोनों ने फिर से यमुना स्नान किया। सूर्योदय होने पर वहीं से निकलकर दादाजी व बापूजी द्वारकाधीश के मंदिर गए। मथुरा में द्वारकाधीश का बहुत विख्यात मंदिर है। यह वैष्णवों का विशेष यात्रा धाम माना जाता है। यह मंदिर बहुत भव्य है और इसमें स्थापित भगवान श्री द्वारकाधीश की प्रतिमा भी भव्य है। यह मूर्ति चतुर्भुज है, यानी भगवान ने चार भुजाएं धारण की हुई है। मंदिर का सभाखंड भी बड़ा विशाल है। वहां सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित थी। दादाजी व बापूजी ने 15 मिनट तक शांत चित्त से भगवान के दर्शन किए। उसके पश्चात बाहर खुले चौक में आकर एक तरफ जहां पर चहल पहल न हो वहां पर बैठ गए। दादाजी अपना अंगोछा बिछाकर जरा ऊंचे चबूतरे पर बैठे और बापूजी उनके समीप थोड़ा नीचे बैठे। मंदिर से निकलने के पश्चात दादाजी और बापूजी एक तरफ चलने लगे। वे थोड़ी देर में एक शिव मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर अंदर से बहुत बड़ा था। दर्शन के बाद दादाजी लगभग 10 मिनट तक भगवान के समक्ष ध्यानस्थ बैठे रहे। बापूजी ने भी वहां बैठकर शांति से जप किया। बापूजी को पुजारी से ज्ञात हुआ कि यह रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। ध्यान से उठकर बाहर के चौक में बैठ गए। बापूजी भी उनके पास बैठे।
दादाजी ने दृष्टि घुमाकर देख लिया कि उनकी बातें सुनने वाला आसपास में कोई नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने बापूजी को योग का गूढ़ रहस्य समझाया। यहाँ से दोनों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल कंस के कारागृह की ओर प्रस्थान किया। मथुरा में एक पुराना स्थान है जिसे कंस के समय का कारागार माना जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि कंस ने इस कारागृह में भगवान के माता पिता को कैद रखा था। लोगों ने इतिहास की स्मृति के रूप में इस स्थान पर श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाया है। श्रद्धालु यात्री उसके दर्शन करने के उपरांत ही ब्रिज यात्रा का आरंभ करते हैं। दादाजी और बापूजी ने भी इस स्थान के दर्शन से ही यात्रा का आरंभ किया। वहां से दोनों ने गोकुल की ओर प्रस्थान किया। पिताजी वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए टोकरी में सुलाकर यमुना नदी पार करके गोकुल में श्री नंद बाबा के घर ले गए थे। यात्रा धाम के रूप में गोकुल का बहुत महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण ने समस्त बाल लीला गोकुल में ही की थी। यह सब बाल लीलाओं की स्मृति श्रद्धालुओं के मन में ताजा करने वाले प्राचीन और पवित्र स्थान गोकुल में है। दादाजी व बापूजी ने गोकुल में पुराने और नए मंदिरों के दर्शन किए और भगवान की बाल लीलाओं के साथ जुड़े हुए थोड़े से स्थानों को देखकर सूर्यास्त के समय रमण रेती नामक स्थान पर पहुंचे। रमण रेती का वातावरण अत्यंत शांत था। यह ऐसी जगह है जहां साधक व सन्यासी घास की पर्णकुटियां बनाकर साधना करते हैं। वे जब विचरण के लिए जाते हैं तब खाली पर्णकुटी में कोई दूसरा साधक आके ठहर सकता है। ऐसी ही एक खाली पर्णकुटी दादाजी ने ढूंढ ली और बापूजी को सीधे वहां पर ले गए। बापूजी ने पर्णकुटी की अंदर से सफाई की। बापूजी अंदर से पर्णकुटी की सफाई करते थे तब दादाजी ने कमंडल के जल से हाथ पैर व मुंह धोए। बापूजी ने भी पर्णकुटी साफ करने के पश्चात हाथ पैर धोने का विचार किया। उन्होंने दादाजी को कमंडल के जल का उपयोग करते हुए देखा था, इसलिए सोचा कि कमंडल खाली होगा। अतः निकट के जल स्थान से कमंडल में पानी भरकर लाने के विचार से जब कमंडल उठाया तब वह भारी था। इस कारण उन्होंने अच्छी तरह देखा तो कमंडल पूर्ववत पानी से भरा हुआ था। बापूजी ने भी कमंडल के जल से हाथ पैर व मुंह धोए और देखा कि कमंडल का जल जरा भी कम नहीं हुआ था। तत्पश्चात बापूजी ने थोड़े फल खाए और दादाजी अपने आसन पर समाधि लगाकर बैठ गए। दादाजी तो सिद्ध पुरुष थे, अतः रात को भी कभी सोते नहीं थे, लेकिन बापूजी तो दिन भर के परिश्रम से थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए अंधेरा होते ही वे सो गए। दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों यात्रा के लिए आगे बढ़े। वे लोवन और मानसरोवर की यात्रा करके प्रसिद्ध तीर्थ वृंदावन की तरफ आगे बढ़े। मानसरोवर से वृंदावन जाना हो तो यमुना पार करके जाना पड़ता है, लेकिन नाव दिखाई नहीं दे रही थी। बापूजी सोच रहे थे कि नदी किस तरह पार की जाएगी। इतने में प्रवाह के नजदीक पहुंचकर दादाजी ने अपना अंगोछा पानी की सतह पर बिछा दिया और बापूजी की तरफ देखते हुए कहा, चल तू अंगोछे के ऊपर चढ़ जा। बापूजी जरा हिचकिचाए कि अगर वह अंगोछे पर चढ़ेंगे तो अंगोछे के साथ स्वयं यमुना के तल में पहुंच जाएंगे, लेकिन बापूजी दादाजी की असाधारण शक्तियों से परिचित थे, अतः डरते डरते एक पैर अंगोछे पर रखकर उस पर चढ़े। दूसरे ही क्षण उनके मन का संदेह दूर हो गया, क्योंकि अंगोछा पानी में लेश मात्र भी भीगा नहीं था। वह लकड़ी के पट्टे के समान सख्त होने के कारण डूबता भी नहीं था। बापूजी को लगा कि स्वयं पानी पर तैरते हुए लकड़ी के ये डोंगे पर खड़े हैं।
दादाजी ने अपना एक हाथ बापूजी की तरफ बढ़ाया। बापूजी ने दादाजी की कलाई पकड़ रखी। फिर दादाजी पानी की सतह पर चलने लगे। उनके साथ बापूजी के अंगोछे का डोंगा भी यमुना की सतह पर सरकने लगा। देखते ही देखते दोनों यमुना का विशाल जल प्रवाह पार करके सामने वाले किनारे पर पहुंच गए। सांझ ढल रही थी कि वे निकट में आए बंसीवट के पवित्र स्थल पर पहुंचे। यह स्थान वृंदावन क्षेत्र में आता है वह बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि वहां पर कई बार श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ अनेक अलौकिक लीलाएं की थी। इस भूमि का जल व मिट्टी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पुनीत स्पर्श से पवित्र हो गई। गोकुल, नंदगांव, गिरिराज, मथुरा, मधुवन इत्यादि स्थानों पर भगवान ने लीलाएं की थी। इस प्रकार वैष्णव भक्तों की दृष्टि से वृंदावन श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन में भी अनेक पवित्र स्थल हैं, किंतु उनमें से बंसीवट का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। बंसीवट की छाया में भगवान ने श्री राधा जी के साथ रोमांचक रास लीलाएं की थी, अतः वहां की मिट्टी अत्यंत पवित्र और मुक्तिदायक मानी जाती है। तत्पश्चात दोनों निकट के एक मंदिर में गए। बापूजी की धारणा थी कि वृंदावन वैष्णवों का यात्राधाम होने के कारण कोई कृष्ण मंदिर होगा, किंतु मंदिर में दर्शन करने के पश्चात पता चला कि यह शिव मंदिर था। बापूजी को एक दर्शनार्थी से ज्ञात हुआ यह गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। आरती समाप्त हुई तब वे दोनों बाहर आए। बापूजी ने पूछा, कृष्ण धाम में यह शिव मंदिर कैसे? तेरी कोई भूल हुई है, जरा फिर से दर्शन करके आ। बापूजी पुनः दर्शन करने के लिए गए तब श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी। बापूजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी आंखों को मसलकर अच्छी तरह से देखा और विश्वास हो गया यह कृष्ण की ही मूर्ति है। जब वे वापस आए तब दादाजी ने उनको सस्मित पूछा, क्यों अंदर क्या था? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। स्वामी अभी भी तो भ्रम में है, जा फिर एक बार दर्शन करके आ। बापूजी फिर से मंदिर में गए। फिर आश्चर्य हुआ, इस समय उन्होंने लिंग व मूर्ति दोनों को साथ साथ प्रतिष्ठित हुए देखा। बापूजी बाहर आए तब दादाजी ने प्रश्न किया, क्या है लिंग या मूर्ति? दोनों। तू भी कमाल है, हर बार अलग अलग बात करता है, अब अंतिम बार दर्शन करके आ। बापूजी मंदिर में गए तब प्रथम बार जिस शिवलिंग के दर्शन हुए थे वही दिखाई दिया। अतः वह दादाजी के पास आकर बोले, गुरुजी मैं सही हूँ, इस मंदिर में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। तब तो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति कहाँ से दिखाया था? मेरी बुद्धि के पास इसका कोई जवाब नहीं है। स्वामी ईश्वर के सब स्वरूपों का महत्व समान है। तुझे आज सच्चे एकेश्वरवाद का सिद्धांत बतलाता हूँ। मैंने तुझे श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप की सेवा करने का आदेश दिया है, फिर भी भगवान शिव को भी इष्ट रूप समझना व लिंग की सेवा करते रहना। हरि व हर अभिन्न है। इस तरह बातचीत के पश्चात दादाजी समाधि में बैठ गए और बाबूजी सो गए। पदयात्रा के तीसरे दिन प्रातःकाल से वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस पवित्र तीर्थ में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 5,000 मंदिर हैं। वैष्णव भक्तों का यह सर्वश्रेष्ठ यात्रा धाम है। प्रत्येक वैष्णव को
जीवन में एक बार तो वृंदावन की यात्रा करने की इच्छा होती है। दादाजी व बापूजी ने इस पवित्र तीर्थ धाम में श्री रंग जी, श्री गोविंद जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री मदन मोहन जी इत्यादि प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए। कैसी घाट का दर्शन किया व बिहार घाट पर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया। जितना हो सका उतना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की जगहों के भी दर्शन किए। तत्पश्चात दोनों ने गिरिराज श्री गोवर्धन की ओर प्रयाण किया। वहां जतिपुरा में श्री गोवर्धन का मुख है ऐसा माना जाता है। वैष्णव भक्त ऐसा मानते हैं कि इस मुख के दर्शन करने से गिरिराज के दर्शन हो गए। दादाजी व बापूजी ने श्री गिरिराज जी के दर्शन किए। और जतिपुरा में ही रात को रुके। चौथे दिन जतिपुरा से निकलकर गोवर्धन, दान घाटी, गैवर वन और काम वन होकर बरसाना पहुंचे। बरसाना राधा जी का पीहर माना जाता है। राधा जी के पिता का नाम वृषभानु था। उनके नाम से गांव का नाम अपभ्रंश होते होते बरसाना बना होगा ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर राधा जी का महल भी है। आसपास में राधा कुंड, प्रेम सरोवर, संकेत इत्यादि पवित्र जगह हैं। वहां से दादाजी व बापूजी नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में नंद राजा का पुराना किला व महल है। दादाजी व बापूजी ने नंदगांव के पवित्र स्थल और मंदिरों के दर्शन किए और रात में वहां पर ही रुके। दादाजी व बापूजी की ब्रज यात्रा यहां संपन्न होती गई। जय भगवान। नमस्कार। लाइफ मिशन रजू करे छे गुरुदेव स्वामी श्री राजर्षि मुनि जी साथे भक्तोनी व्रज यात्रा एप्रिल 2000। गुरुदेव लाइफ मिशन ना प्रचार प्रसार माटे उत्तर प्रदेश मा विचरण करी रहा हता। ते समय मथुरा ने आसपासना गामों मा पण लाइफ मिशन ना संस्कार केंद्र ना उद्घाटन संपन्न करावानो कार्यक्रम निश्चित थयो। अन्य भक्तोए गुरुदेव ना मथुरा प्रवास नी वात जाणी કે તરત એમની સાથે વ્રજયાત્રાનો લાવો લેવાનો કાર્યક્રમ બનાવી દીધો, એટલે 20 એપ્રિલે મથુરાના ગુજરાત ભવનમાં 50 જેટલા ભાવિક ભક્તો પૂજ્યશ્રીના મથુરા આગમનની રાહ જોતા હતા। ગુરુદેવની સફેદ સફારી મથુરામાં પ્રવેશી ત્યારે સાંજના 6:30 થઈ ગયા હતા। મોટર ઊભી રહેતા જ શ્રી સદગુરુદેવ કી જયના નારા ગુંજી ઉઠ્યા। સૌની દીર્ઘ પ્રતીક્ષાનો આખરે અંત આવ્યો।
लांबा प्रवास छता गुरुदेव प्रसन्न चेहरे अने वरद मुद्रा में गाड़ी में बाहर पधार्या। एमनी पाछळ पाछळ योगिनी मैयाजी अने रणजीत सिंहजी पण एवी ज प्रसन्न मुद्रा में बाहर आया। सौ धून गाता गाता पूज्यश्री ने दर्शन कक्ष में दौड़ी गया। परम पूज्य गुरुदेव तथा मैयाजीए पोताना स्थान ग्रहण कर्या। पुष्पहार थी स्वागत बाद सौए एक पछी एक शिष्टबद्ध रीते गुरुदेव अने मैयाजीना दर्शन कर्या।
21 अप्रैल सवारमां गुरुदेवनी आरती तथा दर्शननो कार्यक्रम पूर्ण करी श्री यमुनाजीना दर्शन माटे विश्राम घाट जवा निकळ्या। भगवान श्री कृष्ण अने बलरामजीए कंस वधनो थाक उतारवा माटे अहीं यमुना स्नान कर्युं हतुं तथा आराम पण कर्यो हतो, તેથી એનું નામ વિશ્રામ ભટ્ટ પડ્યું છે। અહીંથી યમુનાજીના સુંદર દર્શન થાય છે। ઘાટ પર ઘણા મંદિરો આવેલા છે, એમાં દર્શન કરી સૌએ યમુના પાન કર્યું। આસપાસ ફરીને વિષ્ણુ કાંજી, શિવ કાંજી વગેરે સ્થળોના દર્શન કરી ગુરુદેવ ઘાટની વચમાં ઊભા રહી ગયા અને સૌને ગ્રુપ ફોટા માટે નિમંત્રણ આપ્યું। ગુરુદેવનું નિમંત્રણ મળતાં જ બધા ચપોચપ ગુરુદેવ અને મૈયાજીની આસપાસ ફોટા માટે ગોઠવાઈ ગયા। ફોટો દ્વારિકાધીશજીના મંદિરે પહોંચ્યા। શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ બનાવેલું આ મંદિર અતિ ભવ્ય અને વિશાળ છે। મંદિરના ચોકમાં ઓફિસ છે। ઓફિસના વહીવટદારે પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરી ઉપરનું ઓઢાડી પ્રસાદ આપ્યો।
સૌ મંદિરમાં ગયા, ત્યાં દર્શન અને આરતીનો સુંદર લાભ લીધો. દર્શન બાદ સૌ રમણ રેતી જવા પોતપોતાના વાહનમાં બેઠા. ભક્તો માટે એક સ્પેશિયલ લક્ઝરી બસની વ્યવસ્થા 4 દિવસ માટે કરવામાં આવી હતી. વ્રજયાત્રામાં રમણ રેતીના દર્શનનું ઘણું મહત્વ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બાલ્યાવસ્થામાં અહીં ગોપ ગોપીઓ સાથે લીલા કરી હતી, તેથી અહીં રેતીમાં આવડવાથી ભગવાનની ચરણરજ અડ્યાનો આનંદ અને સંતોષની લાગણી ભક્તો અનુભવે છે. રમણ રેતીના દર્શન કરી સૌ ગોકુળ પહોંચ્યા. ગોકુળમાં નંદ મહેલમાં નંદરાયનો દરબાર જોયો. શ્રી વસુદેવજી જન્મ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ટોપલામાં મૂકી યમુના પાર કરીને અહીં નંદ આવાસમાં યશોદા મૈયા પાસે મૂકીને યોગ માયાને લઈ ગયા હતા. પૂતના વધ, અસુર વધ, ભગવાન માટી ખાતા પકડાયા હતા તે સ્થળ વગેરે જોઈ મથુરા આવ્યા. ભોજન બાદ મથુરામાં જ લાઈફ મિશનના સંસ્કાર કેન્દ્રના ઉદ્ઘાટન માટે પૂજ્ય શ્રી પધાર્યા. ગુરુદેવની પાછળ ભક્તો પણ ત્યાં પહોંચ્યા. સ્વાગત બાદ પૂજ્યશ્રીના વરદ કર કમલો દ્વારા મંગલ દીપ પ્રગટાવી સંસ્કાર કેન્દ્રની વિધિવત સંસ્થાપના કરવામાં આવી. અનુરોધ કર ગુરુજી અહીં પધારે હૈ
और कथन संपन्न हुआ। यह स्वरूप भी हमारे प्रेरणा स्रोत के स्वरूप મૈયાજીએ ભેટ સ્વરૂપો અને પુસ્તકોનો સંક્ષિપ્ત પરિચય કરાવી પૂજ્યશ્રીના વરદ હસ્તે સંસ્કાર કેન્દ્રના મુખ્ય સંચાલક શ્રીને અર્પણ કરાવ્યા। जिसमें भगवान शंकर के कैसे अवतार भगवान लखनऊ जी की नूतन परंपरा में जो गुरु हुए उनके बारे में चित्र किया है। हमारे दादाजी के साथ भगवान लखनऊ जी 1.5 साल तक रहे हैं, तो ये सब रोचक बातें इसमें है। अब केंद्र में जो 20 मिनट का समय है उसमें ये सब किताबें बारी बारी से 20-20 मिनट पढ़ेंगे और इस तरह केंद्र में इसका उपयोग होगा। और भी किताबें हैं, योग और आयुर्वेद है, एक संचालन मार्गदर्शिका भी है, उस मार्गदर्शिका के मुताबिक आप केंद्र का संचालन सुचारू रूप से कर सकेंगे। और तिब्बत के महान योगी मुदारेपा नाम से भी एक किताब है, तो ये सब किताबें आपको काफ़ी उपयोग होगी। संस्कार केंद्र में आप बारी बारी से पठन करेंगे और वहाँ आप स्वीकार करेंगे। प्राथमिक कार्यक्रम बाद परम पूज्य गुरुदेव नु मंगल प्रवचन शुरू थयो। मनुष्य बने हैं तो हमारे जीवन का ध्येय पूर्व जगत का होना चाहिए और हमारे आत्मा की पूर्व जगत कैसे होती है ये भी बताते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। प्रथम दो पुरुषार्थ हैं अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये मनुष्य के लिए गौण पुरुषार्थ हैं, ये तो सामान्य पुरुषार्थ है। सामान्य इसलिए है कि सब जीव ये दो कार्य तो कर सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारा पेट भरना, हमारे शरीर को टिकाना, हमारे जीवन को संभालना, मृत्यु से बचाना। और काम पुरुषार्थ का मतलब होता है बाल बच्चे पैदा करना, हमारे वंश को आगे बढ़ाना। ये दो पुरुषार्थ सामान्य है, क्यों ये दो पुरुषार्थ तो पशु पशु के खत्म भी कर सकते हैं। पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, अपना रक्षण कर लेते हैं और बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, हर जीव इतना तो कर लेते हैं और मनुष्य भी इतना ही करेगा जब तक वो जीव अन्य जीव के हिसाब से बराबर रहता है।